साहब से रिजवी साहब की जो रिहाई है उस हवाले से हुकूमत ने आपको क्या बताया, क्या पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में आप लोगों ने तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन का जो बोल न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट देखा, आज की इस वीडियो में मुकम्मल ये क्लिप आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन मुकम्मल क्लिप सुनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आल नोटिफिकेशन भी दबाएँ ताकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मतलब तस्दीक शुदा खबरें और आप लोगों को इंटरव्यूज़ मिलते रहें। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को वो मुकम्मल क्लिप सुनाऊंगा जो इंजीनियर हफीज़ुल आलवी साहब ने आपसे कुछ देर कबल बोल न्यूज़ के एक नुमाइंदे को इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से सब कुछ बता दिया है। आइए इंटरव्यू सुनते हैं। बताइएगा कि एक तो के बरसी के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और साद हुसैन रिजवी साहब की जो रिहाई है उस हवाले से हुकूमत ने आपको क्या बताया, क्या पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन। आपने दो सवाल इस वक्त इकट्ठे कर दिए हैं। उर्स मुबारक की तैयारियों के जो ऐलान हुआ है 19, 20 और 21 उसके हिसाब से सारी तैयारियां हो रही हैं, लोगों को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। तहरीक लबैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के अमीर हज़रत हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रजवी हफ़ज़हुल्ला की बात की है तो उनकी आपको अभी पंजाब हुकूमत की जो एप्लीकेशन है जो FRB से विड्रॉल की तो वो प्रोसेस हो चुका है और हमें यकीन है कि आज कल में ही अमीर साहब जो है वहाँ से रिहा हो जाएंगे और वो अपने कारकुनों में बहुत जल्द तशरीफ़ ले आएंगे। जी, कारकुनान काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं और यहाँ पर रुकने शुरा का भी यही कहना है कि जो हाफिज साद रिजवी साहब की रिहाई है उसका प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और एक उसके अंदर रिहाई का इम्कान भी खासे रोशन है। कारकुनान यहाँ पर खासे पुरजोश दिखाई देते हैं और एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।